हेलो एंड वेलकम टू टेली एक्सप्रेस। वेल दोस्तों, इंडियन आइडल में आए इंडस्ट्री के बड़े सिंगर एआर रहमान। जी हाँ दोस्तों, और एआर रहमान ने किया दिबोश्मिता से सबसे बड़ा वादा। जी हाँ, एआर रहमान के इस वादे से विशाल डाडलानी और हिमेश रेशमिया के भी होश पूरी तरीके से उड़ गए। वेल, क्या है ये पूरी खबर और ऐसा कौन सा बड़ा वादा कर दिया एआर रहमान ने दिबोश्मिता से, बताएंगे आपको सब कुछ पूरे विस्तार से। बट बिफोर दैट, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टेली एक्सप्रेस। वेल दोस्तों, आपको बता दे, इंडियन आइडल सीजन 13 में एआर रहमान आए और उन्होंने सुनी दिबोश्मिता की गायकी। दिबोश्मिता के हुनर ने पूरे तरीके से चकाचौंध में डाल दिया और किसी को नहीं बल्कि बॉलीवुड के इंडस्ट्री के सबसे बड़े सिंगर एआर रहमान को। दिबोश्मिता की आवाज ने एआर रहमान का दिल जीत लिया और ऐसे में एआर रहमान ने ना सिर्फ उसकी तारीफें की बल्कि दिबोश्मिता के लिए खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है किसी भी यंग स्टार के लिए कि इतने बड़े ऑस्कर विनिंग सुपरस्टार सिंगर ने खड़े होकर आपके लिए तालियां बजाई है। तो वहीं उन्होंने बड़ा वादा भी किया है और ये कहा दैट आई विल श्योरली मीट यू आफ्टर दिस शो। तुम्हारे लिए ये स्टेज कुछ भी नहीं है, तुम इसके बहुत आगे जाओगी और बहुत जल्द मैं खुद तुमसे बात करूंगा। ये सुनकर विशाल और हिमेश के तो होश ही उड़ गए जब एआर ने कह दिया आई प्रॉमिस दैट, मार्क माई वर्ड्स। दोस्तों, एआर रहमान का साथ मिलना कोई छोटी बात नहीं है, एआर रहमान का वादा कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों, इट्स अ वेरी बिग डील। तो क्या समझ लिया जाए कि अब तो चमक गई है दिबोश्मिता की किस्मत? क्या कहेंगे आप, हमें अपने व्यूज कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।